अमेरिकन कॉन्क्लेव्स। हम लोग टेलीविजन पे काफी कुछ देख रहे हैं G20 के बारे में, ये है क्या? मैं सरल शब्दों में समझाऊंगा, और इससे भारत को क्या फायदा हुआ, और साथ साथ क्योंकि मैं यूरोप से काफी जुड़ा हुआ हूँ, अमेरिका से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैंने यूरोप में फ्रांस में काफी साल काम किया है, मैंने सारे देश देखे हैं, अमेरिका कम कंट्री के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और कुछ अपने दिल की बात भी करूंगा। तो G20 जैसा एक समूह है जो कि 1997 से शुरू हुआ था, उसमें पहले 33 कंट्री थे उसमें, बाद में कंट्री कम हुए, कुछ बढ़ते करते रहे, आजकल 20 कंट्रीज इसमें हैं। एक इतने प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ग्रुप जी का मतलब ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज ऐसा है ये कि ये इतने प्लेटफॉर्म जिसमें कि सारे गवर्नमेंट जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स हैं मिलते हैं हर साल, और हर साल मिलने के बाद एक पृथ्वी हर अर्थ के लिए, वर्ल्ड के लिए एक सामूहिक फैसला लेते हैं या डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से इकोनॉमी, खास करके इकोनॉमी के बारे में ज्यादा बात करते हैं, इकोनॉमी कैसे देश देश की या अलग अलग देशों की या पूरे विश्व की इकोनॉमी कैसे ठीक रहे, मेंटेन रहे, और जो मुद्दे उस समय चल रहे होते हैं उस मुद्दों पर विचार किया जाता है, वो एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन बनता है। पिछली बार ये इंडोनेशिया बाली में हुआ था, जिसे अपने प्रधानमंत्री जी उसमें गए थे, जी ग्रुप 20 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उसमें आता है अमेरिका, भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जितने भी कंट्री है, 20 कंट्री है, वो देखा जाए तो 70 से 75% की इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं। कहने का मतलब है कि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीज के हेड्स इसके मेंबर हैं, और भारत इसका एक स्थायी मेंबर है। इस बार की प्रेसिडेंसी भारत को मिली, और सबसे अच्छी बात यह हुई कि भारत ने अपने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई, मोदी जी की अगुवाई में दो तीन बड़े काम किए। पहला काम किया, ये पूरे पूरे साल भर इसका प्रोग्राम हुआ। नॉर्मली जो और कंट्रीज में प्रेसिडेंसी होती है, इस बार की अध्यक्षता G20 की अध्यक्षता भारत के पास थी, जो पिछली बार नवंबर 2022 में मिली थी। तो तब से अब तक अपने प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कम से कम 400 या 500 प्रोग्राम हुए 56 अलग अलग शहरों में भारत के, यानी कि ये प्रोग्राम पूरे साल चला। इससे पब्लिक को भी पता लगा कि भारत की कितनी इंपॉर्टेंस है, और साथ साथ कई जगह इस प्रोग्राम में भारत के लोग और साथ साथ बाहर के लोग भी आते रहे, जैसे आगरा में हुआ, भोपाल में हुआ, बॉम्बे में हुआ, लखनऊ में हुआ। तो G20 जो हुआ पूरे साल भर का त्योहार समझिए आप माना गया। इससे इसके बारे में लोगों को काफी जागरूकता भी हुई, और एक तरह से ये पता लगा कि भारत कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है वर्ल्ड में कि इसको प्रेसिडेंसी मिली। लास्ट ईयर इट वॉज इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया तो बहुत छोटा देश है, उसको प्रेसिडेंसी मिली है, भारत को मिली वो अलग बात है, लेकिन भारत ने जिस तरह से कमाल से इसको निभाया वो किसी कंट्री ने किया। अमेरिका के किसी ने बोला कि इस तरह की सोच जो भारत ने, मोदी जी ने करी कि इसको 56 शहरों में पूरे साल भर तक ये प्रोग्राम बनाया गया हर्षोल्लास के साथ, और अलग अलग डिसीजन लिए गए, वो बात उनके दिमाग में क्यों नहीं आई? अमेरिका ने जब किया तो उनके दिमाग क्यों नहीं आया? उन्होंने साल भर का प्रोग्राम एक दो दिन का हो गया, जैसे कि हमारे 2 दिन का 9 और 10 सितंबर को हुआ। तो एक तो बात यह है कि इस G20 का विशेषता ये रही कि पूरा साल भर चला। अब इसमें प्रोग्राम में देखिए, कोई भी होस्ट होता है, होस्ट होस्ट कंट्री वॉज इंडिया, एंड होस्ट के जो प्रेसिडेंट होता है, जो सबसे मुख्य होता है, वो भारत के प्रधानमंत्री, उसको सारा संभालना पड़ता है। पहली इनॉगरल स्पीच देनी पड़ती है, उसके बाद बाकी कंट्रीज के साथ जो लोग आए, किससे बायलैटरल समिट करनी है कि नहीं करनी है। मैं खुद इंडो यूरोपियन कॉन्फ्रेंस करता हूँ, और वो करता रहा हूँ, 2008 से मैं कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जो जो ऑर्गेनाइजर होता है उसको कितना मानसिक तनाव होता है, और कितना तैयारी करनी पड़ती है, कितना सोचना पड़ता है। तो मैं दो बातें जो सबसे मुझे महत्वपूर्ण लगी मोदी जी के बारे में, मैं ये मत सोचिएगा कि मैं अलग से तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वो तारीफ लायक है, कि जकार्ता में एक मीटिंग थी, ये प्रोग्राम होना था 8, 9, 10, 8 तारीख को जो बाइडेन आ गए थे राष्ट्रपति, और 6 तारीख को ही वॉज इन जकार्ता। भाई आप खुद मेहमान को रिसीव करना है आपको, 2 दिन बाद आप फिर चले गए, और वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट समिट थी इसलिए उनको जाना जरूरी था, और जन्माष्टमी वाले दिन 7 तारीख को उन्होंने
इस्कॉन मंदिर में जाके बात करी, यानी कि उसके पहले 5 सितंबर को उन्होंने टीचर्स डे पे लोगों को प्रोत्साहन दिया। कहने का मतलब है कि उन्होंने जो इस प्रोग्राम के चक्कर में अपने जो रूटीन प्रोग्राम है वो खत्म नहीं करे, उसके साथ साथ भी उन्होंने इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम किया। आज इसका समापन हो चुका है, 8 तारीख हो गई, आज 10 तारीख है, आज समापन हो गया है। जो मेन बातें हैं इसमें निकल के आई हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है जिस तरह से भारत ने इन कंट्रीज को होस्ट किया। 3 बातें होती है इंपॉर्टेंट जब आप ऑर्गेनाइजर होते हैं। एक होता है आप किस तरह से मेहमानों के मेहमानबाजी कैसे करेंगे, किस तरह होस्ट करेंगे, कहाँ ठहराएंगे, किस तरह से आप दिखाएंगे कि हमारा देश कैसा है। दूसरा होता है कि आप क्या क्या मुद्दे लेके आएंगे, और तीसरा होता है कि सबकी सहमति लेना, सबकी सहमति लेना, और चौथा होता है कि आपने जैसे इन्होंने मोदी जी ने सोचा अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसका कोई भी इसका इसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो उन्होंने कहा सारे अफ्रीकन कंट्री को, जिसमें नाइजीरिया, इथियोपिया, कई कंट्री आते हैं, अल्जीरिया, उन सबको तो लाना मुश्किल है, साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने क्या किया अफ्रीकन यूनियन के हेड को बुलाया, उसको स्थायी सदस्यता दिला दी। विद ऑफकोर्स जब भी आप कोई काम करते हैं तो जो बाकी 20 मेंबर हैं उनकी सहमति चाहिए, तो उनकी सहमति से अफ्रीकन यूनियन को एक स्थायी सत्ता मिल गई। अब 21 21 देश हो गए। एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने करी मोदी जी ने कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने 20 कंट्री के अलावा 7 या 8 कंट्री को और बुलाया, जो जो उनके दोस्त लोग थे, जैसे कि उसमें मॉरिशस है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, तो इस तरह से 5 7 8 कंट्री के इन्होंने कंट्री को और बुलाया कि आप हमारे मेहमान हैं, आप भी आइए, इसमें शिरकत होइए। ज्वाइंट डिक्लेरेशन तीसरी बात है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, उसकी सारी बातें नहीं है, अभी मैं पढ़ रहा था कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो किया है इन्होंने, वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन में इसमें इन्होंने 37 मुद्दों को कार्यान्वित किया। पिछले साल जो बाली में हुआ था उसमें 22 हुए थे, उसके पहले 7 8 मुद्दे रहे हैं, 10 मुद्दे रहे हैं, तो 37 मुद्दों पे 20 कंट्री के हेड ऑफ स्टेट्स के डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर लेना और उनका उनका सारी बातें उनकी सहमति साइन करा चुके थे। दिल्ली डिक्लेरेशन क्योंकि न्यू दिल्ली में हुआ है तो इसको दिल्ली डिक्लेरेशन के हिसाब से मनाया गया। अब सारे 37 मुद्दे तो नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत क्या थी भारत के लिए, भारत के लिए रशिया बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है और दोस्त है, क्योंकि फ्यूल भी लेते हैं और हमारे पुराने आर्म्स के लिए, सप्लाई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ चाइना है जो कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, ये दोनों के हेड नहीं आए, लेकिन इस जॉइंट डिक्लेरेशन में पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जैसे कंट्री लाइक नेटो कंट्री है, नेटो मतलब जो नॉन अलायंस ट्रीटी वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उसमें कंट्री में फ्रांस सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं फ्रांस में काम करता था, मिस्टर मैक्रोन को मैं पर्सनली मैं मुलाकात कर चुका हूं, जो कि राष्ट्रपति है वहां के, तो फ्रांस जैसे कंट्री चाहते थे कि यूक्रेन और रशिया के मुद्दे को बुरी तरह से कंडेम किया जाए। भारत चूंकि रशिया के दोस्त भी है और इनके साथ काफी मुलाकात भी है और साथ साथ इनके इकोनॉमी भी हमारी काफी कुछ डिपेंडेंट है रशिया पे, तो हम लोगों को ये दिक्कत थी कि वी नेवर वांटेड टू स्ट्रॉन्गली कंडेम रशिया एंड यूक्रेन वॉर, तो इन्होंने बीच का रास्ता निकाल के जॉइंट डिक्लेरेशन में बिना रशिया का नाम लिए उन्होंने लिखा कि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसको जल्दी खत्म करना चाहिए। कहने का मतलब है दे कुड फाइंड ए मिडिल वे, जिससे कि फ्रांस ने साइन भी कर दिए और साथ साथ अमेरिका ने भी साइन कर दिए और साथ साथ रशिया को नाराज भी नहीं किया। तो इस 37 मुद्दे में सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है, जो दो तीन बातें पढ़ना चाहता हूं, द मैसिव अवॉइडेड कंडेमनेशन ऑफ, इन्होंने रशिया को कंडेम करना अवॉइड कर लिया और ही कर लिया रशिया, इन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन के युद्ध को खत्म होना चाहिए जल्दी और बिना रशिया का नाम लिए, कहीं रशिया का नाम लिया इन्होंने, इट कॉल्ड फॉर सेसेशन ऑफ मिलिट्री डिस्ट्रक्शन और अदर अटैक्स ऑन फूड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आम आदमी पे इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे एनर्जी पे इसके अटैक नहीं होने चाहिए। मेंबर कंट्रीज कमिटेड टू हैव फेस डाउन ऑफ कोल, और दूसरी बात सबसे बड़ी रिन्यूअल एनर्जी पे बारे में बात हुई, जो कि नॉर्मल बात होनी थी, उस पर उन्होंने साइन करा ली। डेवलपिंग कंट्रीज नीड 5.8 to 5.9 trillion इन द प्री 2030 पीरियड फॉर द क्लाइमेट गोल। अब क्लाइमेट बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि शायद भारत तो बहुत सीरियसली ले रहा है, लेकिन जिस समय डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति अमेरिका के, तो उन्होंने बड़ा इसको लाइटली लिया था, उन्होंने कहा था कि हम अननेसेसरी पैसा नहीं देंगे। अब डेवलपिंग कंट्री को जरूरत है 5.8 to 5.9 trillion प्री 2030 फॉर द क्लाइमेट गोल्स, वाइल द वर्ल्ड वुड नीड अनदर 4 trillion पर एनम इन्वेस्टमेंट बाय 2030 टू हेल्प रीच
नेट जीरो कार्बन एमिशन गोल बाय 2050। इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेट कार जीरो कार्बन एमिशन। अब कार्बन एमिशन जब कोल का फ्यूल होता है तो कार्बन एमिशन इतना निकलता है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ग्लेशियर खत्म हो जाएगी, हिमालय खत्म हो जाएगा और जितने भी कोस्टल एरिया है 2050 तक काफी लोग डूबने की आशंका कर रहे हैं कि जब धरती का तापमान बढ़ेगा, ग्लेशियर खत्म होंगे तो जो समुद्र है उसका जो गहरा समुद्र का सी लेवल ऊपर बढ़ेगा तो कोस्टल एरिया लाइक बॉम्बे, लाइक कराची, मैनी अदर कंट्री, न्यूयॉर्क, अदर प्लेसेस काफी इफेक्ट पड़ेगा और इससे कुछ धरती का समय जगह खत्म होती जाएगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने इसके लिए बात करी है और क्लाइमेट चेंज को एमिशन कार्बन एमिशन गोल को 2050 तक समाप्त करने के लिए जो 5.8 टू 5.9 ट्रिलियन डॉलर और 4 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है उसके लिए संस्तुति बनाई। इन्होंने रिफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात भी करी है। ग्लोबल लीडर स्ट्रेस दैट सेंट्रल बैंक रिमेन स्ट्रॉन्गली कमिटेड टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हुई है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, द ग्रुप ऑफ 20 वर्ल्ड इकोनॉमीज वेलकम द अफ्रीकन यूनियन को स्थायी मेंबर बना दिया। अब 21 हो गए लेकिन इसका नाम बदलेगा नहीं, इसका नाम अभी भी G20 रहेगा, ऐसा नहीं है कि G21 हो जाएगा। तो 5 इंपॉर्टेंट टेकअवे ये है कि इन्होंने ये ग्लोबल लीडर्स इंक्लूडिंग फ्रेंच प्रेसिडेंट, कैनेडियन पीएम, ट्रेडो कॉम्ब्रो सबको बुलाया और एक वर्किंग लंच मीटिंग भी हुई फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ में। बायलैटरल मीटिंग केवल 3 कंट्री के साथ इन्होंने करी, यूके के साथ अपने ऋषि सुनक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदू हिंदू हमारे देखिए ही इज ब्रिटिशर, ऋषि सुनक इज नॉट इंडियन, इंडियन ओरिजिन जरूर है लेकिन फाइनली है तो सनातन धर्म को मानने वाले। देख सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाला ब्रिटिश का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है प्राइम मिनिस्टर, ये बात के लिए हमें गर्व महसूस होता है। वी ऑल फील अप्रिशिएट दैट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। एक वर्किंग लंच भी हुआ और साथ साथ बायलैटरल जो मीटिंग हुई उसमें यूके के साथ हुआ, अमेरिका के साथ हुई और एक कंट्री और है इटली, इटली के साथ 1-to-1 मीटिंग भी इन्होंने करी। तो जो 5 की अवे है, जो इनॉग्रल सेशन ऑफ 2-day समिट द अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप की पहली बार, ये सबसे जो 5 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें करने बताने के बाद मैं आपसे समाप्त करूंगा। पहला तो यह है कि अफ्रीकन यूनियन को एक स्थायी सदस्यता मिली। उन्होंने एक और लीडर समिट डिक्लेरेशन असर्टिंग दैट टुडेज एरा मस्ट नॉट बी अ वॉर। अब हमारे मोदी जी हमेशा कहते हैं कि ये युद्ध का एरा नहीं है, अगर युद्ध हुआ और न्यूक्लियर वेपन हुआ तो पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। तो यानी कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ वॉर। Asserting that today's era must not be a war, the New Delhi Declaration of G20 countries on Saturday called on all states to uphold the principles of international law, including territorial integrity and sovereignty, and said the peaceful solution of conflicts as well as diplomacy and dialogues are critical. Any peaceful solution of any conflict is crucial. ये जितने भी borders हैं, उसकी sovereignty maintain करनी चाहिए, principles of international law को follow करना चाहिए. At the G20 summit, India, the US and UAE, Saudi Arabia, France, Germany, Italy and the European Union signed a MOU to establish an India-Middle East-Europe Economic Corridor. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक MOU साइन हुआ है। बाइडेन कॉल्ड इट गेम चेंजिंग रीजनल इन्वेस्टमेंट। इससे इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें, इट इज नॉट ए कॉरिडोर, ऐसा नहीं कि इसमें गैलरी बनाई जाएगी, इट इज इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ रेल एंड शिपिंग लिंक्स एम्स टू बोस्टर द ट्रेड बिटवीन इंडिया, द मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, अ मॉडर्न डे स्पाइस रूट टू बाइंड रीजन दैट अकाउंट फॉर अबाउट 1/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर पे MOU साइन हुआ है, जिसमें कि अमेरिका ने, UAE ने, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन ने हस्ताक्षर किए। Prime Minister Rishi Sunak said on Saturday that the 20 leader summit in New Delhi that Britain will commit to provide $2 billion to the Green Climate Fund. $2 billion का investment Rishi Sunak ने announce किया है Green Climate Fund to help developing countries cope with the climate change. ये बहुत बड़ी बात है। England ने $2 billion का Green Climate Fund announced किया है for developing countries. The Green Climate Fund, the world's largest such fund, was set up under United Nations climate change negotiations to help channel money needed for poor states to meet their targets of reduce. Actually, carbon emission जब कम किया जाता है तो उस देश के लिए बहुत बड़ी financial crisis होती है, तो उस financial crisis को cover करने के लिए England, ऋषि सुनक की अध्यक्षता क्रम है, उन्होंने $2 billion का announcement किया है for poor countries so that वो clean energy का इस्तेमाल करें और क्लाइमेट चेंज में
कार्बन एमिशन को जीरो लाने में मदद मिलेगी। रशिया प्रेस G20 कंसेंसस डिक्लेरेशन दैट अवॉइड डायरेक्ट क्रिटिसिज्म मॉस्को फॉर द वॉर इन यूक्रेन। रशिया को बड़ी खुशी हुई इस बात से कि उनको लगा कि हमारा नाम लिए बिना इन्होंने हमको क्रिटिसाइज ज्यादा नहीं किया। एवरीथिंग वॉज रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस्ड फॉर्म। उन्होंने कहा बड़ा बैलेंस्ड स्टेटमेंट है और रशियन G20 सर्वर और गवर्नमेंट नेगोशिएटर वाज कोटेड बाय सेइंग द रशियन इंटरफ्लेक्स। रशिया 2020 जो उन्होंने इन्वेजन किया has left tens of thousands dead, displaced millions and sown economic turmoil across the world. Moscow, which is conducting a special military operation there, denies committing any atrocity. Although Russia कहता है कि हमारे वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। Meanwhile, European Union official who did not want to be identified said on Sunday that Ukraine war was the most contentious issue in the negotiation. Without India leadership, it would not have been possible. तो ये भी European Union ने भी भारत की तारीफ करी है इस मामले में। सेंट्रल बैंक एग्जीक्यूटिव अजय कुमार चौधरी has said that the Reserve Bank is likely to launch a pilot of central bank digital currency to transition of interbank borrowing called money. ये फाइनेंशियल बातें हैं। RBI will introduce the wholesale CBDC. तो ये पांच बड़े मुद्दे थे जो कि G20 समिट में हुए और दूसरे अब प्रेसिडेंसी मिल गई ब्राजील को। अगला प्रोग्राम ब्राजील में होगा लेकिन अभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक वर्चुअल G20 समिट को भी इन्होंने कहा है कि नवंबर 2023 में जो जितने भी बातें हुई है उसको वर्चुअल हम करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री फाइनली कॉन्ग्रेचुलेट किया ब्राजील के प्रेसिडेंट को। उनका नाम है लुलू डी सिल्वा एंड हैंड ओवर द प्रेसिडेंसी गिवन टू हिम। उनको हैंड ओवर करना नवंबर में, उसको प्रेसिडेंसी विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम समाप्त हुआ और मैं बधाई देना चाहता हूँ भारत की सरकार को और खास करके आदरणीय मोदी जी को कि उन्होंने इतना अच्छी तरीके से G20 समिट को ऑर्गेनाइज किया, सबको पर्सनली रिसीव किया और मेरे ख्याल से एवरीबॉडी वाज गेटिंग जॉइंट डिक्लेरेशन का साइन। वन अर्थ आखिरी बात उन्होंने कहा क्या, वन फैमिली वन फ्यूचर। एक पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, एक फैमिली के रूप में रहते हैं और सबका एक ही फ्यूचर है और खास करके हम चाहते हैं कि विश्व शांति बनी रहे। हम लोग, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं खुद भी पर्सनली दिल से चाहता हूँ कि विश्व शांति बनी रहे, बॉर्डर्स की जरूरत ना हो, बॉर्डर्स की जरूरत ना हो। ये बड़ी मुद्दे की बात है, यानी कि दर्शनार्थ भी अभी बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, यूरोप में भी तो बॉर्डर है ही नहीं कोई देखा जाए। यूरोपियन यूनियन में आपको, यूरोप में कोई भी निवासी है उसको जो है कहीं भी जाने के लिए कोई बॉर्डर लेने की जरूरत नहीं है, उसको कोई पासपोर्ट भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से एशिया में भी होना चाहिए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। फ्यूचर भी एक ही है, अगर पृथ्वी खत्म हो जाएगी, विश्व खत्म हो जाएगा तो कौन बचेगा? अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ नोबडी विल सर्वाइव। तो इसलिए लड़ाई झगड़े से तो मतलब नहीं बनता, सबको भगवान को मानते हुए, फाइनली कृष्ण भगवान को मानते हुए, बांकी बिहारी जी की जय करते हुए, सिद्धि विनायक जी की जय करते हुए इसको अपना फेसबुक लाइव समाप्त करता हूँ। ये बताता हूँ कि G20 सम्मेलन वॉज वन ऑफ द बेस्ट एवर ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द लास्ट, सबने कहा है कि इससे अच्छा सम्मेलन शायद भारत के अलावा किसी और ने ऑर्गेनाइज अभी तक नहीं किया। थैंक यू वेरी मच Professor Dr. Vigupta on 10th of September 2023 talking about G20 from the cath lab of Apollo Hospital with our हमारे पितामह के रूप में कह सकते हो कृष्ण भगवान और सिद्धि विनायक जी। थैंक यू वेरी मच।